काका कालेलकर। बच्चों, आओ अब हम राष्ट्रभाषा हिंदी के एक महान प्रचारक के बारे में जानते हैं, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जिन्हें काका कालेलकर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के सतारा नगर में हुआ। गांधी जी के निकटतम सहयोगी होने के कारण ही वे काका के नाम से जाने गए। काका भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। काका ने फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने शिक्षक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। 1915 में इनकी भेंट गांधी जी से हुई और इसके बाद इन्होंने गांधी जी के सभी आंदोलनों में भाग लिया। वे सर्वोदय पत्रिका के संपादक भी रहे। काका ने राष्ट्रभाषा के प्रचार में बहुत बड़ा योगदान दिया। बच्चों, जानते हो काका ने सबसे पहले स्वयं हिंदी सीखी, उसके बाद हिंदी के प्रचार का काम किया। जब उन्हें गुजरात में हिंदी प्रचार के काम के लिए भेजा गया, तब उन्होंने गुजराती सीखी। काका की लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें अधिकांश का अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, स्मरण यात्रा, धर्म, साहित्य और पत्र। काका को साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया।